सोयत क्षेत्र में दिन दहाड़े करकरिया में मूक बधिर महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश, प्रकरण दर्ज। सुसनेर सोयत कला अनुविभाग सुसनेर के सोयत थाना क्षेत्र के ग्राम करकरिया में सोमवार शाम 4 बजे के लगभग अपनी नाबालिग भतीजी के साथ मूक बधिर महिला, जो बोल सुन नहीं सकती, बकरी चराने गई थी। तभी गांव के 2 युवकों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती खोटा काम करने की कोशिश की। सोयत थाने पर महिला पुलिस थाना आगरमालवा से उप निरीक्षक पूजा सोलंकी ने 2 आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया। सोयत पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम करकरिया निवासी परिवर्तित नाम सुकन्या बागरी अपनी 11 वर्ष नाबालिग भतीजी के साथ सोमवार बकरी चराने गई थी। तभी गांव के मुकेश एवं जसवंत पिता नैन सिंह सोंधिया आए और आते ही मुकेश ने पीड़ित महिला को गंदी गाली देकर बोला कि मेरे साथ चल। तभी जसवंत सोंधिया ने पीड़ित महिला का गंदी नियत से हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें करते हुए जमीन पर पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने आरोपितों से बड़ी मुश्किल से अपनी आबरू बचाई। उक्त सारा वाक्या 11 वर्षीय नाबालिग बालिका के सामने घटित हुआ। थाना प्रभारी यशवंत राव गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि एक मूक बधिर महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। पीड़ित महिला बोल एवं सुन नहीं सकती है, इस कारण महिला पुलिस अधिकारी को महिला थाना आगरमालवा से बुलवाया गया, जिन्होंने मूक बधिर महिला के साथ नाबालिग भतीजी से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव के ही 2 युवक यशवंत सोंधिया एवं मुकेश ने मेरी काकी के साथ जबरदस्ती की एवं पूरी बात विस्तार से बताई और कहा मेरी काकी को डराया धमकाया और गंदी गंदी गालियां दी। पुलिस ने किया प्रकरण पंजीबद्ध। थाना प्रभारी गायकवाड़ ने बताया कि आरोपित जसवंत सिंह पिता नैन सिंह सोंधिया निवासी करकरिया थाना सोयत एवं मुकेश निवासी करकरिया थाना सोयत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है एवं दोनों आरोपितों की धरपकड़ की जा रही है। बहुत जल्द दोनों आरोपित पुलिस की गिरफ्त में हो गए। राजेश भावसार, दैनिक पीथ्यान पत्रिका, रिपोर्टर सोयत कला। आए थाने पे, सोयत थाने पे। सर, ये मेरी आंटी जी है और ये मेरी बहन है, दोनों करीबन 4 बजे के अंदर बकरियां चरा रही थी। हाँ। तो बकरियां चराते चराते वो 2 लड़के आए, उन्होंने एक ने तो हाथ पकड़ा और एक ने गाली दी कि चल मेरे साथ में चल। किसका हाथ पकड़ा था? मेरी आंटी जी का। अच्छा, आंटी जी का। हाँ, अन्य वो एक लगा जो हाथ पकड़ के नीचे डाल दिया, नीचे डाल के फिर कपड़े ऊपर किया उन्होंने। क्या नाम है सामने लगा? वो जसवंत सिंह। जसवंत नैन सिंह कहाँ के? ये करकरिया के सर। ठीक है, ये बच्चे साथ में थी उनके? हाँ, ये बच्चे साथ में थी और कपड़े ऊपर किए। कपड़े ऊपर करने के बाद में उन्होंने पेंट की चेन खोली। पेंट की चेन खोलने के बाद फिर मेरे आंटी जी ने उनका हाथ पकड़ के हाथ में काटा। काटने के बाद वो छोड़ के फिर भागा वो। ठीक है, वो आंटी जी बोलने लायक नहीं अभी ना तो सुन सकती है और ना बोल सकती है। ठीक है।